आज महम हलके के गांव बड़म्बा में हलका स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया तथा भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के कोष का दुरुपयोग करने के लिए खट्टर सरकार को चेतावनी दी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, हमारी सरकार बनने पर 36 बिरादरी के पढ़े लिखे नौजवान को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां देंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देंगे तथा प्रदेश में खुशहाली और प्रकृति का वातावरण पैदा करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी ने गांव बड़म्बा वासियों का इतनी भारी संख्या में उपस्थित होने पर हार्दिक धन्यवाद किया। मैं सुरेंद्र नाथ जी से अनुरोध करना चाहता हूं, वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैं प्रेम कुमार जी से अनुरोध करना चाहता हूं, उमेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहकर आपकी सेवा करने वाले परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला के प्रधान और पूर्व विधायक रहे भाई रामपुर सुंदर जी, हल्का के अध्यक्ष भाई कृष्ण राठौर जी, भाई बिजेंद्र रेड्डी जी और हमारे युवा के जो प्रधान है प्रदेश गोष्ठी के प्रदेश के संयोजक है, मैंने रामराज जी और सभी साथियों बुजुर्गों माता और बहनों अतिथि कार्य बच्चों, आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के जो संगठन का काम चल रहा है उस संगठन के काम को और ज्यादा निचले स्तर तक ले जाने के लिए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चाहे वो कितना ही बड़ा गांव क्यों ना हो, एक गांव में 20 से ज्यादा मेंबर पंचायत नहीं बनते, 20 से ज्यादा वार्ड नहीं, इसलिए वार्ड स्तर तक पार्टी का संगठन का काम हो ये सोच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। स्टेट कार्यकारिणी बढ़ गई, जिला कार्यकारिणी बढ़ गई, हल्का के अध्यक्ष बढ़ गए, शहरों के अध्यक्ष बढ़ गए और फिर हल्का में जोन बनाए गए, जोन के अध्यक्ष बढ़ गए और उन अध्यक्षों की कार्यकारिणी बढ़ गई, मैक्सिमम काम पूरा हो, लेकिन 16 के 16 प्रकोष्ठ बनाने हर जोन में, जो 16 प्रकोष्ठ है, एससी का है, बीसी का है, किसान का है, महिला का है, युवा का है, आईएसओ का है, सपोर्ट्स का है, किसान का है, पूर्व कर्मचारी का है, एक्स सर्विसमैन सेल है, वो 16 के 16 जो प्रकोष्ठ है। हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी पहुंचे हैं। मैं यहाँ पहुंचने पर जुलाना हल्के की तरफ से जींद के पार्टी के सभी कार्यकर्ता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारे बीच में दुबारा हल्का के प्रभारी और यहां से हमारी बहुत ही नजदीक सहमति है, इन्होंने सत्ता संभालते ही आप लोगों के बीच में आकर के आपकी दुख सुनने को सुनना है और सुनने के बाद उसका समाधान भी करने का काम किया है। जिस प्रकार के बाद जब मुख्यमंत्री थे तो इसी धर्मशाला के अंदर आप लोगों की समस्याएं छुड़ी थी और जो भी समस्याएं आप इनके सामने रखते थे उन्हीं को पूरा करने का काम करते थे और अभी को 2.5 साल पहले एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर यही कहता के आने वाला समय INNDP पार्टी का है। ये बेशक भी सत्ता में हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी और JJP पार्टी ने 2.5 साल के अरसे में
काम करने की भरपूर की बात है, किसी के दुख सुख भी साथी नहीं रहे हैं। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा, भाई अभय सिंह चौटाला जी और सारे हरियाणा के जो बताए हुए रास्ते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात आप लोगों के बीच में मेहनत करके रहते हैं। तो मैं भी साथियों से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि 11 से 14 तारीख को हमारी बीच में हमारे जो प्रदेश की सचिव है महासचिव है सुनैना चौटाला जी 11, 12, 13 मैं सुरेंद्र नाथ जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, वो आया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे युवा के जो प्रधान है प्रदेश गोष्ठ के प्रदेश के संयोजक है, मैंने रामराज जी और सभी साथियों बुजुर्गों माता और बहनों जी कार्य बच्चों, आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के जो संगठन का काम चल रहा है उस संगठन के काम को और ज्यादा निचले स्तर तक ले जाने के लिए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चाहे वो कितना ही बड़ा गांव क्यों ना हो एक गांव में 20 से ज्यादा मेंबर पंचायत नहीं बनते, 20 से ज्यादा वार्ड नहीं, इसलिए वार्ड स्तर तक पार्टी का संगठन का काम हो ये सोच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। कार्यकारिणी बढ़ गई, जिला कार्यकारिणी बढ़ गई, हल्का के अध्यक्ष बढ़ गए, शहरों के अध्यक्ष बढ़ गए और फिर हल्का में जोन बनाए गए, जोन के अध्यक्ष बढ़ गए और उन अध्यक्षों की कार्यकारिणी बढ़ गई, मैक्सिमम काम पूरा हो। लेकिन 16 के 16 प्रकोष्ठ बनाने हर जोन में, जो 16 प्रकोष्ठ है, एससी का है, बीसी का है, किसान का है, महिला का है, युवा का है, आईएसओ का है, सपोर्ट्स का है, किसान का है, पूर्व कर्मचारी का है, एक्सपेंसमेंट सेल है, वो 16 के 16 जो प्रकोष्ठ है आप सबके सामने बड़े विचार रखेंगे तो भी ऊपर राज करो। विरोध पक्ष के राजनीतिक लोग इस बात को मानते चलते हैं कि संख्यात्मक दृष्टि से समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष का कोई मुकाबला नहीं, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष में जूझते हैं और संघर्ष के बलबूते पर
संगठन को प्रभावी बनाने का काम करते हैं। ऐसा ही लखनऊ सिंह जी ने बताया। हम चाहते हैं कि इस देश का, इसके लिए जो आना चाहते हैं उनको पुरस्कार दो और जो नहीं आना चाहते हैं उनको सामाजिक तौर पर संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने के साथ रहने का काम करें। संगठन यदि मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और ये मेरे अब तो आम आदमी की जबान पे एक बात है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करें। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को संपर्क करें। आज हर आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया था जो पिछले लगभग एक साल से गर्मी सर्दी ऊपर वाले मंत्रा अनुसरण होगा। कबेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और यदि किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि लोगों को जोड़ो, सबको साथ लेकर के चलो। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और इस खुशहाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चमार धानक वाल्मीकि जयंती खटी खत्ती कुम्हार लुहार मनिहार सुनार जीवर धरतेली धोपी मोची ब्राह्मण बढ़िया पंजाबी और कर्मचारी कारखानेदार और मजदूर किसान और कमीरा आज सभी लोग इस कुशासन से दुखी हैं और वो इस सरकार का पतन करने के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि इस सरकार का पतन हो और एक अच्छी सरकार गठन हो तो देश के लोगों को स्वच्छ प्रशासन। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुरस्कार दो, उन्हें साथ शामिल करो ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के आज इस कलंकित कुशासन का अंत करें और एक ऐसी सरकार का गठन करें जो देश हित में काम करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पाए। प्रधान जी, सम्मानित मंच और सभास्थल में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं, विद्वान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्ज्वल भविष्य में लंबे समय के बाद आपके बीच में आकर के बात करने का अवसर मिला है। हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हुई उसने साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवा दिया और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि चुनाव जेल में रहेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया। विरोध पक्ष के राजनीतिक लोग विश्वास को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से समूचे विश्व के सतह पर भारतवर्ष का कोई मुकाबला नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष में जूझते हैं और संघर्ष की मजबूती पर संगठन को प्रभावी बनाने का काम करते हैं। ऐसा जी ने बताया
हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लॉबिंग पार्टी में शामिल हो। इसके लिए जो आना चाहते हैं उनको पुरस्कार दो, और जो नहीं आना चाहते हैं उनको सामाजिक तौर पर संपर्क संदेश और खुशहाल बनाकर के साथ रहने का काम। संगठन अभी मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बने, और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं। अब तो आम आदमी की जबान पे एक बात है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सरकार आपकी बनेगी तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करें। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहा है कि आप सभी लोगों को सीख पड़ता है। आज हर आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है। जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया था जो पिछले लगभग एक साल से धर्म की शादी की परवाही योजना, बारिश चक्कर की परवाही योजना, भूखे प्यासे लगातार सबको बचे हुए और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लोगों से माफी मांगनी पड़ी और वो काले कानून को वापस लेने की घोषणा ही नहीं की बल्कि वापस लेने का कार्य भी किया। इसलिए चलेंगे निश्चित रूप से समूचे राष्ट्र के सत्र पर आपकी नीति का अनुसरण होगा। मेरे इस देश के राजपाल के मालिक होंगे और तेरे तेरे की सलाह को पीछे बंद किए गए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और यदि किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि लोगों को जोड़ो, सबको साथ लेकर के चलो। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और इस कुशासन का अंत करना चाहते हैं। मैं जब उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया तो मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। यार नाम का तो ये किसान आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग आज आपके साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जवान, धानक, वाल्मीकि, देकर, खटी, खाती, कुम्हार, लोहार, मणिहार, सुनार, जीवन, थेली, धोती, मोची, ब्राह्मण, भूमिया, पंजाबी और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कनेरा, आज सभी लोग इस कुशासन से दुखी हैं और वो इस सरकार का पतन करने के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि इस सरकार का पतन हो और एक अच्छी सरकार का गठन हो कि देश के लोगों को स्वच्छ प्रशासन दे सके। इसलिए आपको अब ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुरस्कार दो, उन्हें साथ शामिल करो ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के आज इस पल करें कि इस प्रशासन का अंत करें और एक ऐसी सरकार का गठन करें जो देश हित में काम करे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करे। इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुरस्कार के साथ जोड़ दो। हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है, हम तो सबको साथ जोड़ना चाहते हैं। और सारे जब साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं समूचे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश का किसान और कबीरा राज सत्ता का मालिक होगा और इस देश में अच्छे लोगों के हाथ में हुकूमत आएगी जो इस देश के भविष्य को उज्जवल बना सके। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, मैं जब उन लोगों को मिलने गया था तो 36 बिरादरी के लोग उसमें शामिल थे,
मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। मैं सैर सपाटे करने नहीं गया था, उन लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के सतह पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जो सभी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलता है और 36 बिरादरी के लोग उसके साथ। इसलिए आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, आने वाले चुनाव में ये 36 बिरादरी के लोग आपका साथ देंगे। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है, इसलिए इसको संभालने की आवश्यकता है। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप लोगों के प्रयासों से, आपकी मेहनत से राज्य की परिस्थितियाँ बदलेंगी। खमेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे देश की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें। सीधी भाषा में एक ही बात कहते जा रहा हूँ, राज बढ़ा लो, फिर थारे सारे वोटर काट दूंगा। इसलिए साथियों, मैं तो भाजपा से आया हूँ और पता नहीं मैं कब तक हूँ, लेकिन मैं एक वायदा करके जा रहा कि जब भी आपकी सरकार बनेगी तो 306 युवकों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी। अब के मैं हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे ब्लैकवर्ड है, चाहे चमार है, चाहे धानक है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे रेकर है, चाहे खटीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, लुहार है, सुनार है, हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और एक अच्छी सरकार का गठन करेंगे जो लोगों के हितार्थ अच्छे काम करेगी और सबको सुविधा मिलेगी। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। माँ बाप है, अगर किसी कारणवश वोट कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति नहीं करें। किसी माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। गांव का अगर पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की बधाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए आप सबको प्रयास करने चाहिए। आपके प्रयास विफल नहीं होंगे, आपके प्रयास सफल होंगे। हरियाणा प्रदेश सारे देश की अगुवाई करेगा, दूसरे प्रदेश के लोग भी आपका अनुसरण करेंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल है, इन्हें संभालने की आवश्यकता है। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। आपने मुझे अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।